टाउन हॉल हमीरपुर में वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग बज्र कौर की ओर से डबल विक्ट्री ब्रिगेड के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से 200 के करीब वीर नारियों को सम्मानित किया गया। टाउन हॉल हमीरपुर में वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग बज्र कौर की ओर से डबल विक्ट्री ब्रिगेड के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडर 15 इंडिपेंडेंट मेक नाइस ब्रिगेड के ब्रिगेडियर हरीश सेठी व गौरी सेठी ने कार्यक्रम में वीर नारी विधवाओं और उनके आश्रितों को सम्मानित किया। इसमें जिला भर से 200 के करीब वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सत्या देवी, ऋषा देवी, नीरा देवी, निर्मला देवी, सरिता देवी, मंजू कौशल, कमलेश कुमारी, संतोष कुमारी व कृष्णा कुमारी आदि समेत 200 के करीब वीर नारियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके तहत 55 मेकनाइज ब्रिगेड अध्यक्ष परिवार संगठन डबल विक्ट्री ब्रिगेड कर्नल विंटर्स ब्रज कॉर्प जूनियर कमीशन्ड अधिकारी व अन्य पदों की टीम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ वीर नारियों व उनके आश्रितों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने के लिए इस दौरान कार्य किए गए। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों व उनके आश्रितों की तरह तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न पंडाल लगाए गए थे, जहां उनकी समस्याओं को सुना व उसका निपटारा किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों को सरकार व सेना द्वारा उनके हित में चलाई जाने वाली तमाम स्कीमों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी गई व इसके साथ ही आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर में स्थित आर्मी रोजगार कार्यालय में आश्रितों को उनकी तमाम जानकारी प्रदान कर व उनके लिए योग्य रोजगार लेने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात वीर नारियों व उनके आश्रितों ने CSD स्मार्ट कार्ड, ECHS कार्ड तथा पेंशन संबंधित समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसका उसी वक्त निपटारा किया गया। तो जैसा हम सब लोगों को विदित है कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि भी कहा जाता है और हमीरपुर जिला के लोग अपनी सेवाएं सेना में देने के लिए सबसे आगे होते हैं। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हमें पता लगता है कि हर वर्ष हमारे सरहदों पर हमारी रक्षा करते करते हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। शहीद शब्द बहुत सिंपल लगता है, परंतु अगर शहीद शब्द का हमने वास्तव में अर्थ देखना है तो वाइफ से पूछिए, उनकी माताओं से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए जो कि वॉर में शहीद हुए हैं, उनका जो योगदान है वो शहादत से कम नहीं है। वास्तव में होता है कि शहीद किसी सैनिक के शहीद होने के पश्चात सभी लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, परंतु जो शहीद की वीर नारियां हैं उनका परिवार है उनको जो समस्याओं जो उनके सामने समस्याएं आती है वो उसके बाद आती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक परिवार को हमारा अलग ही हमारा डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसके माध्यम से अभी आप सबको सरकार द्वारा क्या क्या स्कीम बनाई गई है, क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन ये देखता हूँ कि हर जो हमारे वीर सैनिक है उनके परिवार के सदस्य हैं रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है उनके लैंड के डिस्प्यूट है, उन्हें पार्टीशन करना है, डिमार्केशन देना है, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से जो प्रॉब्लम है, बिल्डर से जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो प्रॉब्लम है, नो डाउट वो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, परंतु उस परिवार के सदस्य के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती है। जैसे हमारे देश की सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी क्योंकि वो देश की सरहदों पर रक्षा हमारी तभी कर पाएंगे जब वो मेंटली फिट होंगे, मेंटली फ्री होंगे कि हमारे परिवार वापस होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि जो भी समस्याएं होंगी जिला प्रशासन की ओर से उनका हम प्राथमिकता से निपटारा करेंगे।